नमस्ते बच्चों, आज हम रैदास के पद के माइंड मैप को देखेंगे। जो हमने पढ़ाया है, भावार्थ में आपको जो समझाया है, उसी में से छोटे छोटे पॉइंट्स लिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, भगवान को चंदन, भक्त को पानी, प्रभु है घनवन, भक्त है मोर, भगवान दीपक, भक्त है पाती, भगवान मोती, भक्त धागा, भगवान स्वामी, भक्त दास, भगवान दयालु है, अछूत रैदास को संत की पदवी दी, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, राम नाम का रटना रैदास से रटना उस उनसे छुटकारा नहीं मिलना, लाइक रैदास भगवान का नाम ले रहे हैं उससे वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो ये रहा रैदास के पद का माइंड मैप। अब हम जाएंगे प्रश्नोत्तर में। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। द कंपैरिजन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, द कंपैरिजन बिटवीन देम, वॉट एवर इज सेड इन दिस फर्स्ट दोहा, दैट विल सी फर्स्ट। पहले पद में भगवान और भक्त की अनेक चीजों से तुलना की गई है, जैसे भगवान आप चंदन हैं और भक्त पानी, आप घनवन हैं और हम मोर, भगवान चांद है तो भक्त चकोर, आप दीपक हैं और हम बाती हैं, आप मोती के समान हैं और हम हैं धागा। सो द कंपैरिजन that you are sandal, I am pani, I am water, you are ghanban, you are black cloud, or hum mor, I am the peacock, bhagwan chand hai to hum chakor, god is moon and bhakti is chakor pakshi who is happy to see moon, aap deepak hai aur hum bati, you are the lamp and I am the cotton in lamp, आप मोती और हम धागा, यू आर पर्ल, आई एम द थ्रेड। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, हुम पोएट सेड गरीब निवाजू इन सेकेंड दोहे, सेकेंड पद। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है, क्योंकि ईश्वर दिन दुखियों को गले लगाते हैं, उनमें भेदभाव नहीं करते हैं, वे पक्षपात नहीं करते हैं, सच्चे भक्त के ऊपर उनकी कृपा हमेशा रहता है। मीन्स दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है, सो इन सेकेंड पद पोएट सेड गरीब निवाजू टू ईश्वर, टू गॉड, क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों को गले लगाते हैं, सो गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ द पुअर पीपल, उनमें भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव मीन्स डिफरेंशिएट, ही विल नेवर डिफरेंशिएट एनी वन, दोज हु आर पुअर ही विल नेवर डिफरेंशिएट देम, वे पक्षपात नहीं करते, सच्चे भक्त के ऊपर उनकी कृपा हमेशा रहता है, सो पर्सन हु इज रियल डिवोटी ऑफ गॉड विल ऑलवेज गेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही धरे नामक पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यू शुड से द मीनिंग ऑफ दिस लाइन ऑफ फ्रॉम सेकेंड दोहा, सेकेंड पद। रैदास कहते हैं, समाज में ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत करके उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, इस कारण उन्हें समाज में अपमान झेलना पड़ता है। निम्न जाति के उन लोगों के मन में अगर ईश्वर के प्रति सच्चा भक्ति है तो ईश्वर जरूर उन पर कृपा करते हैं, उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। सी व्हाट इज द मीनिंग, रैदास कहते हैं, समाज में ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत करके उनकी उपेक्षा करते हैं। छुआछूत मीन्स अनटचेबल, फ्रॉम मीन्स
दोज हु आर फ्रॉम अपर क्लास पीपल दे विल इल ट्रीट लोअर क्लास लोअर कास्ट पीपल. लोअर कास्ट पीपल समटाइम्स दे विल दे इन आवर सोसाइटी देयर इज सो मेनी थिंग्स. वन थिंग इज छुआछूत. छुआछूत मीन्स टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स आर देयर इन आवर सोसाइटी. सो रैदास कहते हैं समाज में ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत करके उनकी उपेक्षा करते हैं. सो अपर क्लास पीपल will ill treat lower caste people and they will just ignore them. They will not at all give them any value. उनका तिरस्कार करते हैं. They always scold them. इस कारण उन्हें समाज में अपमान झेलना पड़ता है. So because of this, always they will get insulted in our society. निम्न जाति के उन लोगों के मन में अगर ईश्वर के प्रति सच्चा भक्ति है, इफ दोज लोअर कास्ट पीपल हैज अ ट्रू डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, तो ईश्वर जरूर उन पर कृपा करते हैं. सो डेफिनेटली गॉड विल टेक केयर ऑफ देम. उन पर प्रसन्न हो जाते हैं. गॉड विल बी हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर डिवोशन. नेक्स्ट विल गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन. सी चिल्ड्रन, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है. वॉट आर द नेम्स रैदास कॉल्ड हिज गॉड. रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गोविंद, गोसाई आदि नामों से पुकारा है. सो वॉट आर द नेम्स ही कॉल्ड टू हिज गॉड. दीज आर द नेम्स. वन इज लाल, गरीब निवाजू, गोविंद, गोसाई एटसेट्रा. नाउ विल गो टू फिफ्थ क्वेश्चन. रैदास के पदों का मूल भाव लिखिए. मूल भाव मीन्स व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम. कवि ने ईश्वर के महिमा का गुणगान इन पदों में किया है. ईश्वर के महिमा का गुणगान मीन्स द व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ गॉड इज सेड हियर. हाउ ही सपोर्ट्स अस दैट इज सेड इन दिस पद. पहले पद में ईश्वर के साथ अपनी तुलना की है. इन फर्स्ट पद ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ गॉड. उन्होंने अपने आप को भगवान का भक्त कहा है. ही सेड हिमसेल्फ दैट ही इज अ डिवोटी ऑफ गॉड. दूसरे पद में कवि ने भगवान को दीन दयाल, कृपालु आदि कहा है. इन सेकेंड पद गॉड रैदास सेड गॉड दीन दयाल कृपालु. सो काइंड गॉड इज ऑलवेज काइंड टू अस. दैट इज व्हाट इज सेड इन दिस सेकेंड पोएम. रैदास समाज में अछूत थे. रैदास वॉज फ्रॉम लोअर कास्ट पीपल. लोअर कास्ट रैदास वॉज लोअर फ्रॉम लोअर कास्ट. ईश्वर की कृपा से अछूत रैदास को संत की पदवी मिली. सो बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस गॉड्स काइंडनेस ही बिकेम अ सेंट. ही बिकेम अ गुड नेम इन आवर सोसाइटी. भगवान सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं. सो दोज हु आर ट्रू डिवोटी गॉड विल ऑलवेज ब्लेस देम.